कौन है? अच्छा मैं देखता हूँ कौन औरत है। चल देखो कहाँ है वो औरत, यहाँ पर तो कोई भी नहीं। अंकल वो यही थी, एकदम यही, मैंने उसे देखा था, मुझे जान से मार डालना चाहती थी। लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, मुझे लगता है तुम्हें जरूर कोई वहम हुआ है। वहम? हाँ शमिता, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। विवेक ये मेरा वहम नहीं है, वो वही औरत है जो पिछले 6 महीने से मेरे पीछे पड़ी हुई है, वो मुझे मार डालना चाहती है। आखिरी औरत है कौन? मैं नहीं जानती, मैंने इससे पहले उसे कभी नहीं देखा। विवेक ये कैसे हो सकता, कोई अनजान औरत आखिर तुम्हारी जान क्यों लेना चाहेगी? वो कोई जिंदा औरत नहीं है विवेक, वो जरूर कोई प्रेत आत्मा है। प्रेत आत्मा? What nonsense! शमिता की दिमागी हालत सचमुच ठीक नहीं है। अगर उस पर इसी तरह दौरे पड़ते रहे तो वो वाकई पागल हो सकती है। मुझे लगता है दीप्ति हमें उसे किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। अंकल उसे तो बचपन से डरने की बीमारी है, मुझे यकीन है कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। मगर उससे पहले अगर उसे कुछ हो गया तो मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। राय साहब मरते वक्त अपनी प्रॉपर्टी के साथ दोनों बच्चों को मेरे हवाले कर गए थे। अब श्रीकांत तो जाकर विदेश में सेटल हो गया, अब यही तो है जो सारी प्रॉपर्टी की मालिक। अंकल आप एक काम कीजिए, कुछ दिनों के लिए उसे मेरे पास छोड़ दीजिए। तुम्हारे साथ? अंकल दीप्ति ठीक कह रही है। शमिता वहां रहेगी तो उसका दिल बहल जाएगा, क्यों शमिता? हाँ अंकल, मैं भी यही सोच रही थी। इस घर में तो मुझे दहशत सी होती है, अगर आप परमिशन दे तो। ऑफ कोर्स भाई, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा तुम लोग ठीक समझो। कहाँ खोई हो दीप्ति? नहीं नहीं कहीं नहीं। मुझे पता है तुम श्रीकांत भैया के बारे में सोच रही हो ना? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो झूठ मत बोलो, मुझे सब मालूम है, तुम श्रीकांत भैया को मन ही मन पसंद करती हो, है ना? लेकिन क्या पता वो मुझे याद करता भी है या नहीं। नैरोबी जाने के बाद ना ही उसने मुझे लेटर लिखा है, ना ही एक फोन किया है। उससे क्या होता है, अरे प्यार सच्चा होना चाहिए। अब तुम विवेक को ही देखो, उसके पास तो कुछ भी नहीं है, बस उसका प्यार ही है जिसने अंकल को उसके सामने झुका दिया। और अब अंकल तो हमारी सगाई और शादी के लिए भी तैयार हो गए। तो तुम शादी क्यों नहीं कर लेती? बस कर लेंगे इसी
साथ, भैया आ जाए फिर अंकल हमारी सगाई करवा देंगे और उसके बाद शादी। यानी इसके बाद सारा बिजनेस और सारी प्रॉपर्टी अब तेरी। यस। और फिर तुम देखना मैं क्या करती हूँ। बस बस बस, अब आगे का सपना सोने के बाद देखना। ओके लाइट ऑफ कर। नहीं, मुझे अंधेरे में डर लगता है। ओके ओके चल सो जा। गुड नाइट। गुड नाइट। देखना वो कोई कैंडल होगी तो प्लीज जलाना, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। औरत औरत यहां तो नहीं आ जाएगी। कहीं तुम मेरी बात तो नहीं कर रही। हेलो हेलो विवेक, विवेक वो औरत, वो ऊपर औरत। क्या हुआ शमिता, क्या हुआ? विवेक वो ऊपर वो ही औरत है, प्लीज तुम फौरन जल्दी जल्दी चले आओ। तुम घबराओ मत, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। तुमने कोई डरावना ख्वाब देखा है, चलो मेरे साथ चलो। देखो यही है ना वो चुड़ैल। नहीं विवेक मैं सच कह रही हूँ, अभी दीप्ति यहाँ पर नहीं थी, वही औरत थी। क्या क्या हुआ? दीप्ति शमिता का कहना है कि उसने अभी उसी औरत को यहाँ देखा था, और इसके कहने के मुताबिक वो औरत तुम थी। What? देखिए इसे महज एक वहम कहना ठीक नहीं है, एक अलग तरह का डर है, और इस डर में हमारे सामने वही तस्वीर आती है जिसकी हम कल्पना करते हैं, फिर वो तस्वीर हमें जिंदा लगती है, चलने फिरने लगती है, एक ख्वाब की तरह। आपका मतलब डॉक्टर वो औरत महज मेरी कल्पना है? ऑफ कोर्स। लेकिन डॉक्टर मैंने उस औरत को पहले कभी नहीं देखा, फिर क्यों वो बार बार मेरी कल्पना में आती है? वही हो सकता है तुमने उसे कभी फिल्म टीवी या कहीं और देखा हो और तुम्हें याद नहीं हो, और उसका डर तुम्हारे सबकॉन्शियस में बैठ गया है। यानी उस औरत का ताल्लुक शमिता के डर से है? बिल्कुल, वरना इन्हें वो औरत तभी क्यों दिखाई देती है जब अंधेरा होता है, क्योंकि इन्हें अंधेरे से डर लगता है। लेकिन डॉक्टर इस डर का कोई ना कोई इलाज तो जरूर होगा। वेल, इस डर को धीरे धीरे निकालना होगा, वैसे भी भूत प्रेत से डरना एक कॉमन बात है, इन्हें अकेलेपन और अंधेरे से दूर रखा जाए तो अच्छी बात है, बेहतर होगा इन्हें घर पर रखा जाए ताकि इनका आत्मविश्वास बढ़ सके। उफ, कहाँ चले गए ये लोग, कहीं जाना ही था तो मुझे बता कर ही जाते। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग। भाई ये सुबह सुबह कहाँ चले गए थे आप लोग? डॉक्टर शेख के अंकल। डॉक्टर शेख, वो साइकेट्रिस्ट? तो तुम साइकेट्रिस्ट के पास गई थी? जी अंकल, मैं और क्या करती, मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ। पर हुआ क्या? वही ख्वाब,
कल रात को उसी ख्वाब की वजह से इसकी तबीयत ज्यादा ही खराब हो गई थी। ओहो, मैंने कहा था ना कि शमिता का डर इतनी आसानी से नहीं जाएगा। अच्छा हुआ तुम डॉक्टर शेख के पास चली गई, और मुझे यकीन है कि शमिता अब जल्दी ठीक हो जाएगी। आई होप सो। एनीवे शमिता, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? मेरे लिए? क्या? मैं ये तो तुम खुद ही अपने बेडरूम में जाकर देख लो। अरे मैं श्रीकांत। भैया आप, ओह माय गॉड, मैं तो डरी गई थी, मेरी तो जाने निकल गई। ओह आई एम सो सॉरी, सो सॉरी। मुझे क्या पता तू अभी भी उतनी डरपोक ही है। अच्छा आप कब आए? मैं बस आज ही सुबह। एकदम अचानक? अचानक तो नहीं, दीप्ति को पता था कि अपनी बहन की बर्थडे पे मैं जरूर आऊंगा। बर्थडे? हाँ मेरा बर्थडे, मैं तो भूल ही गई थी। देखा, तू तो भूल गई लेकिन मुझे तो याद था ना। ये ले तुम्हारे लिए एडवांस गिफ्ट, और एक छोटा सा सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा तुम्हें शाम को बर्थडे पार्टी में। सरप्राइज? क्या? शमिता कितनी कैंडल्स लगाऊं? उतनी ही जितनी लास्ट ईयर लगाई थी या फिर थोड़ी कम कर दूं? दीप्ति अगर तुम इसी तरह हर साल कैंडल्स कम करती रही ना तो एक दो साल के बाद तो शमिता को बिना कैंडल्स के केक काटना। अरे भाई केक काटने के लिए नाइफ कहाँ है? केक काटने वाला चाकू नहीं मिला साहब, ये चलेगा? फैंटास्टिक। इस चाकू से तो केक का एक ही झटके में काम तमाम हो जाएगा। ये लो। भैया अब वो सरप्राइज आप मुझे बताई दीजिए, चलिए। सरप्राइज तो वैसे अब तक मिल जाना चाहिए था शमिता, लेकिन खैर कोई बात नहीं, तुम केक काटो प्लीज। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू शमिता, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओह माय गॉड, ये लाइट को क्या हो गया? ये लगता है फ्यूज उड़ गया, मैं देखता हूँ। एक मिनट मैं जाके देखता हूँ क्या हुआ। हम वहां देखते हैं, चलो चलो संभल के।
शमिता पहचाना मुझे? ये क्या किया तुमने शमिता? ये क्या किया तुमने? ये वही औरत थी, ये मुझे मार डालना चाहती थी। क्या बकवास कर रही हो तुम? कहती हो ये कौन है? ये तुम्हारी भाभी? सर कल रात जब हम यहां पहुंचे तो लाश यहीं पर हमें मिली थी। ये चाकू मिस शमिता रॉय के हाथ में था और यहां मौजूद तमाम लोगों का यही कहना है कि रजनी का कत्ल इन्होंने ही किया है, लेकिन सर कत्ल की वजह क्या है इसका पता अभी तक नहीं लग पाया। जिसका कत्ल हुआ वो कौन थी? रजनी मेरी बीवी। 8 महीने पहले हमारी नैरोबी में शादी हुई थी। शादी बहुत जल्दी में हुई इसलिए मैं शमिता और अंकल को नहीं बुला पाया, इसलिए उन्हें बताया भी नहीं। मैंने सोचा यहां आके उनको सरप्राइज दूंगा, मुझे क्या पता था कि यानी शमिता आपकी पत्नी को जानती तक नहीं थी, फिर भी शमिता ने आपकी पत्नी की हत्या क्यों की? हत्या नहीं, महज एक हादसा है इंस्पेक्टर भारत। दरअसल शमिता बहुत डर गई थी इसलिए वो रजनी पर हमला कर बैठी। डर गई थी क्या मतलब? मतलब ये कि पिछले 6 महीनों से शमिता को डरावने ख्वाब आ रहे हैं, वो ये देखती है कि कोई औरत एक कैंडल लेकर उसकी तरफ आती है और उसे मार देना चाहती है। कल रात पार्टी में रजनी को देखकर उसे वही लगा कि वो वही औरत है। लगा नहीं इंस्पेक्टर, लगा नहीं कि वही औरत है जिसने पिछले 6 महीने से मेरी नींद हराम की हुई है। किस परे आत्मा की तरह से मेरे पीछे पड़ी हुई थी, वो मुझे मार डालना चाहती थी इंस्पेक्टर। What? How is it possible, शमिता? ये कैसे हो सकता है? रजनी मेरे साथ पिछले 8 महीने से नैरोबी में थी, वो इंडिया कभी आई नहीं, तो तुम ही खुद बताओ कैसे हो सकता है ये सब? नहीं, मुझे नहीं आपको हुआ है भैया, मैं उस औरत को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो कोई चुड़ैल थी, एक आत्मा। मुझे मारने के बाद वो आपको भी मार डालती, इसलिए मैंने उसे जान से मार डाला। आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए इंस्पेक्टर भारत, ये लड़की पागल है।
इसे तो बचपन से डरने की बीमारी है। कल रात अंधेरे में जब रजनी हाथ में मोमबत्ती लेकर आ रही थी तो कई लोग उससे घबरा गए थे, और फिर क्षमता तो बेचारी अंधेरे में मोमबत्ती लेकर। जी हाँ, कल अचानक ही लाइट चली गई थी और इत्तेफाक से रजनी भी उसी वक्त ही आई थी। लेकिन रजनी तो एयरपोर्ट से आ रही थी ना, तो उसके हाथ में ये जलती हुई मोमबत्ती कहाँ से आई? साहब, वो तो हमने उनको दे दी। वो क्या, हम पीयूष ठीक करने जा रहे थे ना, तो रास्ते में मिली, हमने उनको दे दी। आई सी। इंस्पेक्टर भारत, ये सब कुछ अनजाने में हुआ, इसकी तो दिमागी हालत ही ठीक नहीं है। इसका पहले से इलाज चल रहा है, अगर आप चाहें तो डॉक्टर शेख से पूछ सकते हैं। डॉक्टर शेख, वो मशहूर साइकेट्रिस्ट। यकीन नहीं आता कि उस बेचारी बच्ची की दिमाग की हालत इस स्टेज तक पहुंच जाएगी कि वो किसी का खून कर बैठे। डॉक्टर, आप क्या सोचते हैं कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो पागल नहीं है। उसे अंधेरे से डर लगता था, और जिनको अंधेरे से डर लगता है ना, उन्हें भूत प्रेत पर विश्वास हो जाता है, बल्कि उन्हें अंधेरे में भूत प्रेत दिखाई देते हैं, और यही उस बेचारी बच्ची के साथ होता था। ऐसी उसका कहना था कि 6 महीने से उसे हाथ में मोमबत्ती ले हुई एक चुड़ैल दिखाई देती है जो उसे मारना चाहती है, और हादसे की रात भी जब हाथ में मोमबत्ती ले हुए उसे एक औरत दिखाई दी तो उसे लगा ये वही चुड़ैल है जो उसे मारना चाहती है, बस अपनी जान बचाने के लिए उसने उसे मार डाला। तो आपका ये कहना है डॉक्टर साहब कि उस रात अगर लाइट न गई होती और रजनी हाथ में वो जलती हुई मोमबत्ती लिए दाखिल न हुई होती तो ये हादसा न हुआ होता? That's right. श्रीवास्तव सर, उस नौकर रामचरण का ये कहना है कि उस रात फ्यूज उड़ गया था। यस। अब हमें ये देखना श्रीवास्तव कि वो फ्यूज वाकई में उड़ गया था या उड़ाया गया था। श्रीवास्तव देखो, यहाँ एक छोटा कोई एक तार का टुकड़ा नजर आ रहा है। सर, तार का तो कोई टुकड़ा ही नजर नहीं आ रहा है। मेरा शक बिल्कुल सही निकला श्रीवास्तव। शमिता के बर्थडे पर अचानक बिजली का जाना, रजनी का आना, उसके हाथ में जलती हुई मोमबत्ती का होना, ये सब कुछ एक महज इत्तेफाक नहीं हो सकता श्रीवास्तव। ये एक ऐसा प्लॉट था श्रीवास्तव, इट वॉज प्री प्लान्ड। ये हालात पैदा किए गए थे श्रीवास्तव। अगर रामचरण ने ये फ्यूज बनाया होता तो फ्यूज की वो छोटी सी तार यहीं कहीं होनी चाहिए थी श्रीवास्तव, जो कि नहीं है। इसका मतलब उस दिन किसी ने जानबूझकर लाइट ऑफ करी और अपना काम हो जाने के बाद स्विच ऑन कर दिया। एग्जैक्टली। बट रामचरण का कहना था कि वाकई उस दिन लाइट गई थी। झूठ बोल रहा है श्रीवास्तव, वो एक सफेद झूठ बोल रहा है, और सच क्या है ये हमें वही बताएगा। ओह माय गॉड, ही इज डेड। लेकिन इसे मारा किसने? उन्हीं लोगों ने श्रीवास्तव, जिन लोगों ने रजनी के कत्ल की साजिश रची। ये कुछ ज्यादा ही जान गया होगा, मार दिया इसको। आखिर वो है कौन? वो बहुत जल्द पता चल जाएगा श्रीवास्तव कि वो कौन हो सकता है। सुराग तो मिल गया है, सबूत श्रीवास्तव, बस अब सबूत मिलना बाकी है। मुझे पता है कि वो सबूत मुझे कहां मिलेगा।
सर ये डायरी वार्डरोब में से मिली है। ये डायरी हमारे बहुत काम आ सकती है श्रीवास्तव, लेकिन मुझे किसी और चीज की तलाश है श्रीवास्तव। वो दैट्स इट, मुझे इसी चीज की तलाश थी श्रीवास्तव। कितना खुश था मैं रजनी से शादी करके, काश काश मैं उसको यहां ना लाया होता, ना यह हादसा होता, ना उसकी जान जाती। जो होना था सो हो गया, शायद किस्मत को यही मंजूर था। हाँ बेटा, किसको मालूम था शमिता का पागलपन इस हद तक पहुंच जाएगा। वो पागल नहीं है मिस्टर त्रिवेदी, मीता पागल नहीं है। उसकी जगह कोई और भी होता, कोई भी होता तो ऐसे ही रिएक्ट करता। जरा सोचिए मिस्टर त्रिवेदी, 6 महीने प्रेत आत्मा बन के आपको कोई डराए, अचानक वो आपके सामने आ जाए तो आप क्या रिएक्ट करेंगे? बस वही उसने किया। लेकिन सवाल यह है इंस्पेक्टर भारत कि जब रजनी इंडिया आई ही नहीं तो फिर शमिता को दिखाई कैसे दी? कहीं ये सचमुच प्रेतात्मा का चक्कर तो नहीं है? What nonsense? शमिता को जरूर कोई धोखा हुआ होगा। कौन है, कौन है? सामने आके बात करो। मैं वही हूँ शमिता की जान लेना चाहती थी। शमिता ने ले ली, रजनी रजनी तुम जिंदा हो? कोई मरने के बाद कैसे जिंदा हो सकता है श्रीकांत? मैं मर चुकी हूँ। ये तो मेरी आत्मा है जो उससे बदला लेने के लिए भटक रही है, जिसने मेरे कत्ल का षड्यंत्र किया था। लेकिन यहाँ तुम्हारे कत्ल का षड्यंत्र कौन रचेगा? यहाँ तो तुम्हें कोई जानता तक नहीं, किसी ने तुम्हें देखा तक नहीं। तुम तो मुझे जानते थे श्रीकांत। मैं रजनी, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, तुम अच्छी तरह जानती हो। तुम्हारे अलावा मैंने आज तक किसी से प्यार नहीं किया। पर तुम ये नहीं जानते कि मेरे अलावा और कोई भी है जो तुम्हें चाहता है, जिसने तुम्हें हाँ हाँ करने के लिए मेरा कत्ल कर दिया, जिसने मुझे देखा भी था और जो मुझे जानती भी थी। दीप्ति, दीप्ति तुम? नहीं नहीं, ये सब झूठ है, ये ड्रामा है। आत्माएं कभी झूठ नहीं बोला करती मिस दीप्ति। ये कोई आत्मा आत्मा नहीं है इंस्पेक्टर भारत, ये जरूर कोई लड़की है जो रजनी का मास्क पहनकर हम सबको डराना चाहती है। ये इसका असली चेहरा नहीं है, ये एक मास्क है। ये इसका असली चेहरा नहीं है, ये एक मास्क है। Thank you.
शमिता तुम? हाँ मैं। देखा, अंधेरे में और मोमबत्ती की हल्की रोशनी में कोई भी ये पहचान नहीं सका कि ये मास्क है या सचमुच रजनी। सिवाय दीप्ति ठाकुर के। मान गए मिस ठाकुर, वाकई दाद देनी पड़ेगी आपकी पहचान की। आपने कैसे पहचाना कि ये रजनी नहीं रजनी का मास्क है? जी वो मैं नहीं, मैं आपको बताता हूं। दरअसल ये मास्क आपने खुद बनवाया था। झूठ है ये, सच। ये मास्क हमें आपके घर से बरामद हुआ है, आपके बेडरूम से, आपके फ्लावर पॉट से। वहीं आपके बेडरूम से हमें एक डायरी भी बरामद हुई है, जिसमें आपने बड़े साफ शब्दों में लिखा है कि मैं श्रीकांत से बेतहाशा मोहब्बत करती हूं और उसे हासिल करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूं, रजनी का खून भी कर सकती हूं, जो आपने करवा दिया। दीप्ति, तुमने ये सब किया? मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतना गिर सकती हो। ये श्रीकांत, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया था। से मोहब्बत करती हूँ श्रीकांत, दिल ही दिल में कब से तुम्हें चाहती हूँ। शमिता भी ये बात जानती है। मैंने सोचा था कि तुम जब वापस लौट के आ जाओगे तो मुझे अपना लोगे, मगर 6 महीने पहले जब मैं तुमसे नैरोबी में मिली तब व्हाट अ सरप्राइज। यकीन मानो दीप्ति, तुम्हें यहाँ देखकर कितनी खुशी हो रही। लेकिन तुमने खबर क्यों नहीं किया आने की? खबर करती तो तुम्हें सरप्राइज कैसे देती? हाँ, ये बात भी ठीक है। चलो, तुमने एक सरप्राइज दिया तो मैं भी तुम्हें एक सरप्राइज देता हूँ। रजनी, मीट माई वाइफ रजनी। क्या वाइफ? वो क्या है ना कि हमने 2 महीने पहले कोर्ट में शादी कर ली। तुमने मुझे बताया तक नहीं? हाँ दीप्ति, हालात ही कुछ ऐसे थे। खैर सुनो, तुम अंकल और शमिता को इसके बारे में कुछ मत बताना। हम लोग फरवरी में इंडिया आ रहे हैं, वही सबको सब कुछ बताएंगे। शमिता के पत्रे जो है, शमिता को इसके बारे में पता चलेगा तो बहुत खुश होगी। और तुमने इस मास्क के सहारे मुझे डराना शुरू कर दिया, और तुम्हारे सारे प्लान में तुम्हारा साथ दिया नौकर रामचरण ने, लेकिन तुमने उसकी जान भी ले ली। और मैं क्या करती? पैसों की लालच में उसने मेरा साथ देना मंजूर किया, मगर रजनी के कत्ल के बाद वो डर गया था। हंसी के फंदे से बचने के लिए
उसे मार देना ही मैंने ठीक समझा। लेकिन रामचरण की लाश के पास हमें एक ऐसा सुराग मिला जो हमें सीधे आप तक ले आया, ये कॉन्टैक्ट लेंस। और यकीनन ये कॉन्टैक्ट लेंसेज आपके हैं, आप कभी कभी इसे इस्तेमाल करती हैं। उस दिन पार्टी में भी आपने पहना था, सुबह इंक्वायरी के वक्त मैंने आपकी आंखों में ये कॉन्टैक्ट लेंसेज नोट किए थे। इस कॉन्टैक्ट लेंस की जोड़ी का दूसरा हिस्सा आपके कॉन्टैक्ट लेंस के किट में होगा, जाके तलाश कर लीजिए। कमाल है सर, अभी तक सब लोग शमिता को पागल समझते रहे जबकि असली पागल ये है। अपने काल्पनिक प्रेम के लिए इसने अपनी सच्ची दोस्ती का गला घोट दिया। श्रीवास्तव, हिरासत में लो इसे। चलिए। देखा शमिता जी, भूत प्रेतों से ज्यादा खतरनाक वो लोग होते हैं जो प्यार और दोस्ती का नकाब ओढ़े घूमते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इस नकाब में खुदगर्जी, हवस और धोखेबाजी की घिनौनी शक्ल कभी नहीं छुप सकती। नेवर।